हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरु। फ्रेंड्स, बड़ी खुशखबरी आ चुकी है रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी छात्रों के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपने एनटीपीसी का और ग्रुप डी का फॉर्म को फिलअप किया है 2020 में जिसकी परीक्षा होने वाली है, तो बहुत टाइम से इसका इंतजार है कि कब इसकी परीक्षा जो है घोषित की जाती थी, तो आज आपका फाइनली इंतजार जो है समाप्त होने वाला है, मैं ऐसा करूँगा। और फ्रेंड्स, परीक्षा देती है घोषित को लेकर बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ चुकी है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा फ्रेंड्स। और अभी तक आपने टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कलर साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अभी तक आप अगर आप 50 रुपये कैशबैक अर्न करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में फॉर्मल एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप फॉर्मल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें और तुरंत ही जब आप ओपन करेंगे तो आपको 50 रुपये कैशबैक देखने को मिलेगा, जिसे आप पेटीएम अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, जनसत्ता.com की न्यूज है और यहाँ पर जो न्यूज है 12 जनवरी यानी आज की डेट की है, 8:50 पर इस न्यूज को प्रकाशित किया गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है कि आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड 2019-20 जाने अब तक क्यों नहीं हुई कोई आधारित घोषणा। तो यहाँ देख सकते हैं बताया गया है कि एनटीपीसी भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार लंबे समय से परीक्षा तिथि और एडमिट कार्ड के संबंध में सूचना जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड परीक्षा की तिथि जारी करने में अभी समय ले रहा है। इस पर बोर्ड का कहना है कि अधिकारी फिलहाल रेलवे में चल रही दूसरी भर्तियों परीक्षा में आयोजित करने में व्यस्त हैं। तो रेलवे बोर्ड का ये कहना है कि जो अधिकारी हैं वो फिलहाल दूसरी जो भर्ती चल रही, लाइक जैसे ALP का पैनल भी नहीं, फाइनल पैनल नहीं आए हैं, ठीक है, 2018 की ग्रुप डी की वैकेंसी में अटके हुए हैं, JEE की वैकेंसी में भी अटके हुए हैं, तो ऐसे में इनका जो है कहना है कि जो अटके हुए हैं उस भर्ती में व्यस्त हैं, जिसके चलते एनटीपीसी परीक्षा की तारीख निर्धारित नहीं की गई है। बोर्ड जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर कोई घोषणा कर सकता है। तो जल्दी से जल्दी आपकी परीक्षा उम्मीद है कि हो ही जाएगी, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपकी परीक्षा जो है वो उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड गैर तकनीकी लोकी प्रणाली एनटीपीसी भर्ती परीक्षा के लिए आयोजित की जा रही है, ठीक है, एडमिट कार्ड जारी करेगा, परीक्षा तारीखों के आधारित घोषणा करेगा। कहा जा रहा है कि परीक्षा के एडमिट कार्ड परीक्षा के 4 दिन पहले जारी किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, और एनटी की परीक्षा की उम्मीद मुझे है कि फरवरी के लास्ट वीक से स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा, या तो आपकी ग्रुप डी की परीक्षा जो है फरवरी में स्टार्ट कर दी जाए, चाहे एनटीपीसी की परीक्षा फरवरी में स्टार्ट कर दिया है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कौन सी परीक्षा सबसे पहले कंडक्ट करवाई जाएगी, ठीक है। हाल ही फिलहाल में फ्रेंड्स आपको बता दूं, रेलवे ग्रुप डी की जो एजेंसी नियुक्ति है, ठीक है, चल रही है एजेंसी की नियुक्ति करने के लिए, जो आपकी एजेंसी है, ठीक है, एग्जाम कराने के लिए, वो उस एजेंसी का चयन चल रहा है। फिलहाल वो चयन अभी तक नहीं हो पाया है, इसलिए जो है रेलवे बोर्ड अभी परीक्षा की तारीख नहीं जारी कर सकता, क्योंकि जब तक आपकी एजेंसी का चयन नहीं हो जाता तब तक परीक्षा की तारीख करने का कोई भी संभव टाइम नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल ये था अपडेट। और फ्रेंड्स, फॉर्मल एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करें। स्टडी के साथ साथ आपको अर्निंग भी बहुत जरूरी है। 50 रुपये का कैशबैक आपको दिया जाएगा, जैसे आप और जो है ट्रांसफर करके इस एप्लीकेशन को आप भी अर्निंग अच्छी खासी भी कर सकते हैं।